हाय फ्रेंड, चलिए हम थालपोस बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हम पहले हम चेन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन कर लेंगे हम। फिर से हम ऐसे राउंड कर ले रहे हैं। उसके बाद से 1 2 3 4 5 फाइव चेन इसमें, फिर 1 2 3 4 5 फिर फाइव चेन, फिर इसमें फिर ऐसे 1 2 3 4 5 फिर फाइव चेन, फिर हम पूरा ऐसा सेवन कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फाइव 1 2 3 4 5 सिक्स 1 2 3 4 5 एक सेवन सेवन ऐसा बनाने के बाद से हम डायरेक्ट टेबल कलर में ऐसे हम ऐसे बना ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 2 करने के बाद एक एक फंदे लेके हम इसे ऐसे फिल कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। यहाँ पे चार ऐसा बना के हम 1 2 3 4 5 फाइव चेन करेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें चार बनाएंगे। हम पूरे में चार चार ऐसा बना ले रहे हैं। अब बीच में फाइव चेन करेंगे हम ऐसा। ये डबल क्रोशिया हम फोर फोर पूरे में बना ले रहे हैं ऐसा। अब बीच में फाइव चेन करेंगे हम ऐसा, पूरा राउंड में बना ले रहे हैं। देखिए हम चारों तरफ से ये फोर फोर डबल क्रोशिया कर लिए हैं और फाइव चेन किए हैं। अब हम इसमें जॉइंट कर ले रहे हैं। उसके बाद से फिर हम 1 2 ऐसे कर ले रहे हैं, फिर इसमें एक एक और बना ले रहे हैं बीच में। चार चार बनाए हैं पहले, अब ऐसे बनाएंगे तो तीन तीन बनेगा। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 फिर फाइव चेन, ऐसे बीच में इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 फिर फाइव चेन, अब फिर हम फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे हम ऐसे 1 2 3 ऐसे तीन तीन बनेगा पूरे में। तो हम ये पूरे में बना ले रहे हैं फिर ऐसे ही, फिर फाइव चेन करेंगे ऐसे 1 2 3 फिर 4 5 फाइव चेन करके फिर से हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे, फिर फाइव चेन करेंगे, फिर ऐसा तीन बनाएंगे। हम पूरा ऐसे राउंड में पूरा बना ले रहे हैं पहले। ज्वाइंट करने के बाद से अब हम इसमें 1 2 3 4 बना है, अब इसमें हम तीन तीन बनाएंगे। तो ऐसे करके हम 1 2 ऐसे कर ले रहे हैं, फिर एक हुआ 2 ऐसे 3 तीन बनने के बाद से फिर हम 1 2 3 4 5 फिर फाइव चेन करेंगे और फिर इस साइड हम ऐसे यहाँ पर बना लेंगे हम ऐसे। फिर इसमें भी तीन बनेगा डबल क्रोशिया ऐसे ऐसे ही पूरा, फिर फाइव चेन करेंगे 1 2 3 4 5 फिर फाइव चेन फंदे लेंगे, फिर इसमें भी तीन बनेगा। हम पूरे में तीन 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 बना ले रहे हैं। चारों तरफ से ऐसे बनाने के बाद से हम यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे हम। ये बनने के बाद से अब हम यहाँ पे वाइट कलर यूज करेंगे। तो पहले हम गाँठी लगा ले रहे हैं। ये ऊपर वाला चेन है, इसमें हम बनाएंगे। तो ऐसे पहले बांध ले रहे हैं। बांधने के बाद से एक चेन ऐसे करेंगे और इसमें से ऐसे निकालेंगे हम 1 2
तीन, हम थ्री ऐसे कर रहे हैं, फिर उसमें से ऐसे निकाल ले रहे हैं इसके मिडिल से, फिर इसे हम ऐसे बांध लेते हैं। उसके बाद से फिर हम इसमें से ऊपर वाले से ऐसे एक दो तीन, फिर ऐसे बीच में से निकाल के ऐसे बांध लेंगे। फिर उसके बाद फिर एक और इसमें से हम ऐसे एक दो तीन, फिर ऐसे ऐसे तीन हुआ। उसके बाद से हम एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन कर लेंगे हम। उसके बाद फिर हम इसमें से ऐसे फिर बनाएंगे दो तीन ऐसे, फिर इसमें से ऐसे मिडिल से हमें निकालना है ऐसे निकाल। उसके बाद फिर इसमें भी बनाएंगे हम ऐसे ऐसे खींच के एक दो तीन ऐसा, फिर इसमें से ऐसे बीच में से ही निकालना है। अब हम ऐसे नीचे ला के ये एक पहले बनाए हैं ये छोड़ के ये दो बनाए हैं, दोनों बराबर ऐसे आ रहा, हम यहाँ पे ऐसे बांध लेंगे ऐसे, ठीक है ये दोनों ऐसे। अब उसके बाद फिर हमें इसमें से हमें बनाना है, इसमें से ऐसे खींचेंगे एक दो तीन ऐसा, फिर इसमें ऐसे बांध लेंगे हम। अब हम नीचे ला के यहाँ पे ऐसे बांध लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें अब बनाएंगे फिर से एक दो ऐसे तीन, फिर ऐसे निकाल के इसे बांध लेंगे। देखिए अब ये बनाने के बाद से हम ऐसे उल्टा साइड घुमा लेंगे, उल्टा साइड घुमा के ये बीच में हम ऐसे ऐसे करके ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पे बांध लेंगे हम। करने के बाद से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे एक दो तीन ऐसे, फिर ऐसे हम बांध लेंगे ऐसे ही। अब हम फिर और बना ले रहे हैं ऐसे, अब फिर इसमें फिर बनाएंगे एक दो तीन, फिर इसे बांध लेंगे ऐसे दो हो गया। उसके बाद फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन करेंगे, फाइव चेन करके फिर से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे एक दो तीन, फिर ऐसे ऐसे बांध लेंगे। फिर इसके बाद वाले में फिर से ऐसे एक दो तीन ऐसे बांध लेंगे फिर से, फिर इसे सीधा साइड करके ऐसे नीचे लाएंगे। फिर हम इसमें ये बीच में ऐसे फिर बांध लेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे हम फिर इसमें बनाएंगे अब फिर पफ एक दो तीन ऐसे, फिर इसमें से निकाल लेंगे। अब नीचे ला के फिर हम यहाँ पे जॉइंट कर ले रहे हैं इसे देखिए। अब इसके बाद फिर यहाँ पर भी बनेगा सेम ऐसे ही, फिर यहाँ जाएंगे तो ये जॉइंट करेंगे उल्टे साइड से बनाएंगे। एक बार और दिखा दे रहे हैं हम इसे एक दो तीन, फिर इसे बांध लेते हैं और फिर ऐसे उल्टा साइड कर लेंगे। उल्टा साइड से फिर हम यहाँ पर इसके बीच में ऐसे करके बांध लेते हैं यहाँ पे ऐसे, फिर उल्टे साइड से हम ऐसे ही एक
तीन ऐसे, फिर से ऐसे, फिर इसमें एक दो तीन, फिर ऐसे बांध लेंगे। अब उसके बाद से फिर फाइव चेन कर लेंगे हम, एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन करके हम फिर इसमें दो पफ बनाएंगे, फिर यहाँ ला कर ज्वाइंट करेंगे, फिर नीचे ला कर ज्वाइंट करेंगे। हम ये पूरा बना ले रहे हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं आगे। देखिए हम पूरा बना लिए हैं, एक दो तीन चार, चौथा लाइन है ये मेरा। अब नीचे ला के ऐसे हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद से हम फिर इसी में हम ऐसे पफ बना लेंगे, दो एंड तीन, ऐसे तीन बना के हम इसे ऐसे बांध लेंगे। उसके बाद से अब डायरेक्ट फिर हम इसमें आ जाएंगे ऐसे दूसरे वाले चेन में, इसमें बनाए, अब इसमें बनाना है हमें। इसमें आके फिर ऐसे सेम इसके जैसा अब यहाँ पर भी बनाना है हमें, इसमें एक दो तीन ऐसे, फिर इसमें बनाएंगे ऐसे। हम बना दे रहे हैं ऐसे, तीन बना लेंगे, उसके बाद से फाइव चेन करेंगे। दो तीन ऐसे, थ्री थ्री का हम बना रहे हैं, आपको चाहिए तो और बढ़ा सकते हैं आप। एक दो तीन ऐसे, उसके बाद से हम एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फिर टू ऐसा बना लेंगे हम, एक दो तीन, फिर से एक दो तीन, ये बांध लेंगे। बांधने के बाद से एक नीचे से यहाँ है, इसमें अब हमें ऐसे बांध लेना है। हम यहाँ पे ऐसे बांध लेते हैं ऐसे। उसके बाद से फिर हम इसमें बनाएंगे, एक दो तीन, फिर बांध लिए। अब नीचे ला के फिर हम इसमें जॉइंट कर देंगे, ये एक ऐसा बन गया। उसके बाद फिर यहाँ से हम बनाएंगे, तो फिर हम उल्टा साइड से बनाएंगे से, दो एक तीन है से बांध लेंगे। बांधने के बाद से अब इसे हम उल्टा साइड घुमा के हम इसमें बीच में ऐसे लगा के यहाँ पे हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे ऐसे। अब उसके बाद फिर बनाएंगे ऐसे, दो बनाएंगे, फिर फाइव चेन करेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। देखिए ऐसा बनेगा, ये बीच में चेन टाइप का आते जाएगा, ये मिडिल में। देखिए ऐसे जॉइंट करेंगे तो इधर से लाएंगे, फिर इधर ज्वाइंट करेंगे, इधर से भी आएंगे तो यहाँ पे ये दो बनाने के बाद ज्वाइंट करेंगे। ये फाइव फाइव चेन है, एक होल में मेरा एक दो तीन चार, चार ऐसा बना है, इसमें भी चार बनेगा। हम पूरे में चार चार बना ले रहे हैं पूरे पे, हम राउंड के हम तब ऊपर का डिजाइन बनाना बताएंगे हम। देखिए हम पूरा राउंड में ये बना लिए हैं, तो पूरा मेरा सेवन बना है, सात, और ये बीच में है ये चार चार फ्लावर के ऊपर, चार चार ये बना है पूरा, सात ऊपर हमारा चार चार बन गया है। अब इस पर हम सेम कलर फूलन से यहाँ डिजाइन बनाएंगे ऊपर। बनाने के लिए पहले हम गाँठे लगा ले रहे हैं, उसके बाद से इसमें का ये पहला उठा के हम इस पर बांध लेंगे। उसके बाद से हम दो चेन कर लेंगे ऐसे, फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर बना लेंगे एक और, उसके बाद एक और, एक पास हम तीन डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद से एक दो, दो चेन कर लेना है, फिर तीन, फिर थ्री डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना ले रहे हैं ऐसे। उसके बाद से फिर फंदे लेंगे, उसके बगल वाले में फिर से थ्री डबल क्रोशिया एक पास बना लेंगे,
तीन, उसके बाद फिर एक दो, फिर यहाँ पे फिर थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही ये चारों में पहले बना ले रहे हैं, देखिए ऐसे चारों पर हम बना दिए। उसके बाद फिर फंदे लेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम बनाएंगे सेम जैसे बनाए हैं इधर, वैसे ही बनाना है दूसरों में, बीच में चैन नहीं करना है, डायरेक्ट बना लेंगे हम ऐसे। तो यहाँ फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद दो चेन बीच में करेंगे, थ्री डबल क्रोशिया, उसके बाद टू चेन, ऐसे ही बनाना है। अब पूरा हम ऐसे ही बनाएंगे ये। अब हम राउंड में ऐसे ही पूरा बना लेंगे डायरेक्ट ऐसे, थ्री डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर थ्री डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, पूरे पे ऐसे ही बनाते जाएंगे ऐसे। ये मिडिल में चेन आएगा इस साइड से, एक से दूसरे कंधे में जाते इसमें चेन नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे ही बना लेंगे एक से दूसरे में। ऐसे ही पूरा राउंड में हम बना ले रहे हैं, देखिए हम चारों तरफ से बना लिए हैं ये। उसके बाद से हम यहाँ लाके जॉइंट कर लेंगे ऐसे, जॉइंट करने के बाद से हम एक दो दो चेन कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद से फिर एक दो और चेन कर लेंगे और यहाँ पे लाके हम ऐसे फिर बनाएंगे, इसमें तीन बना लेंगे हम ऐसे, तीन डबल क्रोशिया इसमें बना ले रहे हैं हम। उसके बाद फिर एक दो दो चेन करेंगे, फिर इसमें इसके बगल में ये है, इसके सामने जो हम ये बीच में है गैप, यहाँ पे ऐसे तीन तीन मिडिल में छोड़ के हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, फिर एक दो दो चेन, फिर यहाँ पर ऐसे तीन, जो दो दो चेन छोड़े हैं हम इसमें भी तीन तीन बनाना है फिर, और ये मिडिल में जो है यहाँ पर भी तीन तीन बनाना है। तो अब बीच में दो 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 चेन करना है पूरा, तो हम पूरा राउंड में ऐसा बना ले रहे हैं चारों तरफ से। बना के आने के बाद से अब हम दो चेन कर लिए हैं, फिर यहाँ पे दो चेन फर्स्ट किए थे और दो चार चेन यहाँ पे किए थे हम, तो यहाँ पर हम दो बना लेंगे पूरे में, जैसे तीन तीन बनाए हैं वैसे यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर पहले दो डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं और उसके बाद ऐसे इसे पकड़ के ऐसे जॉइंट कर लेंगे, तीन हो गया। अब इसे हम कट कर ले रहे हैं चारों तरफ से बनने के बाद से। अब इस पर हम वाइट कलर फिर बनाएंगे, और ये बनने के बाद से ये चेन वाला जगह है जो इस पर अब हमें बनाना है, तो ऐसे जॉइंट कर ले रहे हैं ऐसे। फिर एक दो दो चेन कर लेंगे हम, दो चेन करने के बाद फंदे लेंगे। अब यहाँ पर हमें पॉफ बनाना है, एक दो तीन, थ्री टाइम ऐसे हम, उसके बाद बीच में से ऐसे निकाल के हम बांध लेते हैं। फिर एक दो दो चेन कर लेंगे, फिर सेम होल में ही एक और पफ बनाएंगे हम, एक दो तीन, फिर इसे हम बांध लेंगे ऐसे। उसके बाद से फंदे लेंगे और यहाँ हम चेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसमें अब बनाएंगे पफ, हमें बना लेना है यहाँ पे। तो ऐसे खींच के एक दो तीन, फिर ऐसे बीच में से निकाल के फिर बांध लेंगे। फिर इसके बाद एक दो चेन करना है हमें, फिर सेम होल में ही एक और बना लेंगे पफ यहाँ पे, दो एक तीन, फिर ऐसे जो दो एक होल में बना रहे हैं इसमें दो चेन करना है हमें, यहाँ चेन नहीं करना है, डायरेक्ट इस साइड बनाना है। फिर मिडिल में दो चेन करेंगे ये दोनों के बीच में, फिर डायरेक्ट ऐसे लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे हम ऐसे दो तीन ऐसे। अब इसके बाद फिर दो चेन करेंगे हम, एक दो, फिर यहाँ बना लेंगे ऐसे। हम अब पूरा राउंड में बना ले रहे हैं, ये चेन चेन में हमें दो दो बनाना है, दो दो के बीच में दो दो चेन करना है, और उसके बाद इस साइड से इस साइड जाएंगे तो चेन नहीं करना है। पूरा राउंड में ऐसा बना ले रहे हैं, बना के आके यहाँ हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम चेन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन करेंगे ये मिडिल में का, दोनों छोड़ के हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव फाइव चेन करके हम ऐसे ये दो दो एक पास जो बनाए हैं बीच में चेन है उसके ऊपर हम फाइव चेन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन, फिर यहाँ पर हम पूरे राउंड में ऐसा फाइव फाइव चेन करके बना ले रहे हैं। देखिए हम चारों तरफ से ऐसा बना लिए हैं,
और ज्वाइंट करके कट कर ली हैं। पूरा चेन बनाने के बाद से अब हम यहाँ पे गाँठे लगाएंगे। उसके बाद से हम ऐसे चेन में ऐसे बांध लेंगे। उसके बाद एक दो दो चेन फंदे लेंगे एंड डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया एक चेन में हम बनाएंगे। ऐसे फोर डबल क्रोशिया बना के फिर फंदे लेंगे, फिर दूसरे में ऐसे बनाएंगे। दो तीन चार, फोर डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे फोर जगह हम फोर फोर डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक होल में चेन वाला जो जगह है इसमें फोर बनाए हैं डबल क्रोशिया। ऐसे ही पास पास पूरा यहाँ तक बना लिए हैं फोर फोर जगह। ऐसे फोर फोर डबल क्रोशिया बनाने के बाद से अब यहाँ पर हम एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन कर लेंगे। फाइव चेन करके फिर फंदे लेंगे, फिर फोर जगह ऐसे बना लेंगे, फिर फाइव चेन करेंगे हम। एक जगह फोर बनाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे, फिर इसमें बनाएंगे हम पूरा फोर में, फिर बना के फिर फाइव चेन कर लेंगे, फिर फोर में बनाएंगे, फिर फाइव चेन कर लेंगे। पूरा पूरा हम राउंड में ऐसा कर ले रहे हैं। देखिए हम चारों तरफ से ये बना लिए हैं, पूरा फोर फोर बीच में बना है, फोर फोर डबल क्रोशिया एक एक जगह ऐसे। अब बीच में फाइव फाइव चेन किए हैं, पूरा फोर्टीन बना है मेरा, चौदह बना है नीचे, सात का बना है यहाँ, चौदह बना है। अब यहाँ चौदह का ये बनाएंगे, यहाँ पे पूरा राउंड में चौदह बनेगा। तो हम बनाना चालू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ बांध लेते हैं। बांधने के बाद से यहाँ पे एक सेम ऐसे बनाना है, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना है यहाँ पे। दो तीन से बांध लेंगे, फिर एक दो तीन ऐसा, फिर से एक दो तीन, फिर से एक दो तीन, चार हुआ। एक और बना लेते हैं यहाँ पर हम, एक दो तीन ऐसे इसे बांध लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच फिर फाइव चेन कर लेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बनाए थे हम, यहाँ पर एक यहाँ पे तीन बनाए हैं, फाइव चेन किए हैं, यहाँ पे फाइव बनाए हैं और फाइव चेन किए हैं। अब उसके बाद से हम फिर थ्री ऐसा बना ले रहे हैं, एक दो, यहाँ थ्री पफ बना ले रहे हैं। पहले यहाँ चेन बनाने के बाद से हम थ्री पफ बना लिए, थ्री पफ बना के इधर थ्री छोड़ देंगे और इधर से दो, दोनों के बीच में ऐसे हम बांध लेते हैं। पहले लाइन में हम एक एक पर वैसे बांधे हैं, यहाँ दो छोड़ के बांध रहे हैं और फिर यहाँ पर दो बना के एक दो तीन ऐसे बांधेंगे, फिर यहाँ एक दो तीन ऐसे। अब ऐसे नीचे हम ये इसमें यहाँ पर ऐसे बांध लेते हैं, फिर यहीं से हम फिर दो बना लेते हैं ऐसे, एक दो तीन, फिर ये बांध लेंगे, फिर एक और बना लेंगे हम, एक दो तीन ऐसे ऐसे। दो बनाने के बाद से फिर हम ऐसे
ये उल्टा साइड से ऐसे पकड़ेंगे और उल्टा साइड से हम ऐसे बीच में ऐसे दोनों पकड़ने के बाद से ऐसे उल्टे साइड से ही फिर हमें इसमें बना लेना है। तीन ऐसे तीन तीन करके फिर तीन बना लेते हैं, फिर फाइव चेन कर लेंगे, फिर थ्री बना के तब दिखा रहे हैं हम ऐसे। अब सीधा साइड से फिर घुमा लेंगे हम, चेन कर लिए, फिर तीन ये पफ बना लिए हैं। अब सीधा साइड से यहाँ ला के फिर हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे मिडिल में ऐसे, फिर ऐसे दो बनाएंगे, फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर ज्वाइंट करके फिर उल्टा साइड से फिर ज्वाइंट करेंगे दो बनाने के बाद, फिर इधर से जाएंगे, फिर इधर से आते ऊपर से नीचे आते समय सीधा साइड से ज्वाइंट करेंगे और नीचे से ऊपर जाते समय उल्टा साइड से ऐसे मिडिल में ज्वाइंट करेंगे और उल्टे साइड से ही बनाएंगे। तो हम ये पूरा यहाँ तक बना ले रहे हैं। देखिए हम यहाँ भी चार बनाए हैं, ये फोर बनाए हैं, इसमें नीचे भी फोर बनाए थे, ऐसे ही यहाँ पर भी फोर बनाए हैं, लेकिन इसमें हम थ्री का पूरा बनाए थे, यहाँ दो तीन चार पाँच फाइव का बनाए हैं ये लॉन्ग करने के लिए। अब इसके बाद से ये मिडिल में हम यहाँ पे एक बना है ये पफ। अब यहाँ पर हम यहाँ पे पफ बनाते हैं ऐसे, एक दो तीन ऐसे बांध लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे ये फोर है, इसमें से दो के बीच में ऐसे बांध लेंगे। यहाँ पे तीन पफ बना लेते हैं, एक दो तीन पफ होगा, यहाँ तक हम बना ले रहे हैं। और देखिए यहाँ से यहाँ तक हम तीन पफ बना लिए, इधर एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स पर यहाँ हम ज्वाइंट किए हैं, इधर दो ये छोटा है, दो ये बीच में ये गैप है, ये चार छोटा है इधर, इधर फिर सिक्स पर हम ज्वाइंट किए हैं ऐसे, थ्री हम बना लिए हैं। आपको चाहिए तो दो भी बना सकते हैं इसमें। ये पूरा बनाने के बाद सेम ये 14 पे पूरा पूरा यही बनेगा। उसके बाद जो ये स्टिचेस है ये पूरा सेम यहाँ बनेगा। हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे। हम ये हम पूरे राउंड में ऐसा बना चुके हैं, ये दूसरे स्टेप्स, ये पूरा बना के ये पूरा हमारा 14 हुआ है, 14 हमारा पूरा ये बना है राउंड में। 14 बनाने के बाद से हम ऊपर ये स्टेप्स है सेम स्टेप्स, यहाँ पर हम सेम जितने इसमें चेन किए हैं, जितने पूरे ये फंदे लिए हैं उतने पूरे इसमें ले लेके हम पूरा बना लिए हैं। यहाँ पे एक दो तीन चार फोर स्टेप्स, ये लास्ट छोड़ के ये पूरा फोर स्टेप्स यहाँ पे बनाए हैं। देखिए पूरा पूरा एक दो तीन चार, यहाँ पर भी ये तीन तीन डबल क्रोशिया बना के बीच में दो दो चेन किए हैं और फिर यहाँ बिना चेन के डायरेक्ट इसमें आ गए हैं, इसमें फिर बीच में दो चेन किए हैं। इसके ऊपर वाले स्टेप्स में हम दो दो चेन करते गए हैं, तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते गए हैं, पूरा ये मिडिल में पूरे हम बनाते गए हैं। और उसके बाद से ये तीसरे स्टेप्स में ये है पफ बनाए हैं, दो पफ के बीच में हम दो चेन किए हैं और यहाँ पे इस साइड से यहाँ जाने में हम चेन नहीं किए हैं, डायरेक्ट ये ऐसे बना दिए हैं। और उसके बाद ये फाइव फाइव चेन करके हम बनाए हैं, ऐसे आप बना लीजिएगा। इसमें हम पूरा अच्छे से बताए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आगे हम डिजाइन बता रहे हैं। लास्ट में अब इसमें हम चेन स्टिच बनाएंगे और उसमें फ्लावर बनाते जाएंगे हम। तो जो ये चेन बनाए हैं इसमें अब हम बना रहे हैं, बांध लेंगे। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन कर लेंगे हम, ऐसे लंबा खींचेंगे हम पॉप बनाएंगे यहाँ। दो तीन चार पाँच, फाइव टाइम हम ऐसे बना रहे हैं। आपको और चाहिए तो और मोटा बना सकते हैं। और इसके नीचे से ऐसे जैसे पफ बनाए सेम पफ यहाँ बना लेना है, इसे बांध लेना है। और उसके बाद से ये चेन को इसके ऊपर ऐसे रख के हम ऐसे बांध लेंगे। उसके फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन, फिर अब इसमें हम बनाएंगे दूसरे वाला चेन है इसमें बनाएंगे हम ऐसे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात फिर सेवन चेन, फिर यहाँ पफ बना लेंगे, फिर सेवन चेन करके इसमें बांधेंगे हम। पूरा राउंड में ऐसा बना ले रहे हैं।
देखिए मेरा थालपोस पूरा तैयार हो गया है। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।